स्वागत है। पहले खास खास खबरें कन्नै में नरेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे भारत च दुनिया का सभने शा वड्डा टीकाकरण अभियान तौले शुरू होग। सलाहकार आर आर भटनागर होरें कोविड 19 टीकाकरण योजना की अमलावरी लई बंदोबस्तें का जायजा लैता है। अगले दसें दिनें च टीका उपलब्ध हो जाग। केंद्र सरकार ते किसान संगठनें बशकार अज नवीं दिल्ली च गल्लबात का अठवां गेड़ लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें जस्टिस पंकज मित्थल होरें गी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट दे नमें मुख न्यायाधीश दे तौरे पर सगंध चुकाई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे दौरान केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च दरम्याने थमां भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। खबरें की तफसील कन्नै विजय बजाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे गुणवत्ता ते विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया की बुनियाद होनी लोड़चदियां। अज्ज वीडियो कॉन्फ्रेंस दे राहें राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी सम्मेलन 2021 दे उद्घाटन सत्र की संबोधित करते हुए उन्हें भारतीय साइंसदानें ते तकनीकी माहिरें पासिया हासिल कीती गई कामयाबियों की सराहना करते हुए खास तौर पर मुल्क अंदर तैयार किए गए दऊं कोरोना टीकें का जिक्र किया। प्रधानमंत्री होरें आखिया जे मुल्खै च तौले गै दुनिया का सभने शा वड्डा अभियान शुरू किया जाग ते इहदा श्रेय साढ़े साइंसदानें ते तकनीकी माहिरें गी जांदा है। प्रधानमंत्री होरें गलाया जे केंद्र सरकार दे लगातार जतने करी भारत इस बेल्लै नमियें काढ़ें सरबंधी आलमी सतह दी रैंकिंग च पहले 50 मुल्खें च शामल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी सम्मेलन 2021 दा उद्घाटन कीता। अज्ज वीडियो कॉन्फ्रेंस दे राहें इस सम्मेलन दे उद्घाटन सत्र की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री होरें भारत दे साइंसदानें ते तकनीकी माहिरें पासेआ हासल उपलब्धियें दी सराहना कीती। प्रधानमंत्री होरें गलाया जे इस पहलकदमी कन्नै दुनिया भरै च साढ़े उत्पादें की विश्वसनीयता बधदी है। उन्हें गलाया जे लोड़ इस गल्लै दी है जे ना छड़ा भारत च बने दे समयान की मंग की बढ़ावा दिता जाना लोड़चदा सगुआं इहदी स्वीकृति की भी बढ़ावा देने की लोड़ है। उन्हें गलाया जे भारतीय निर्देशक द्रव्य मुल्खै च गुणवत्ता आले उत्पादें के निर्माण च मदद करोग। मैडिकल खेत्र के माहिरें मुल्खें च एमरजेंसी बरतून वास्ते कोरोना वायरस के दऊं टीकें की मंजूरी देने संबंधी भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एम्स के डायरेक्टर डॉ रणदीप सिंह गुलेरिया होरें मुल्खें च टीका तैयार करने लई भारतीय लैबोरेटरियों की सराहना की है। उन्हें आखिया जे इन्हें टीकें पर शोध भारत च किया गया है ते ये पूरी चाली स्वदेशी टीके न। उन्हें गलाया जे ये टीके सस्ते ने ते सखल्ले दित्ते जाई सकदे न की जे इंदा भंडारण करिए रखने वास्ते 2 डिग्री सैल्सियस थमां लेके 8 डिग्री सैल्सियस बशकार तापमान की लोड़ हुंदी है। विश्व सेहत संगठन WHO ने कोविड-19 के दऊं टीकें की मंजूरी देने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। इहदी इलाकाई निदेशक डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह होरें गलाया जे WHO दक्खण पूर्वी एशिया के इलाकें च कोविड-19 टीके की एमरजेंसी बरतून वास्ते सारे शा पहले मंजूरी देने गित्तै भारत के फैसले का स्वागत करता है। इहदे कन्नै पूरे इलाके च कोविड-19 खिलाफ लड़ाई की होर बल थोग। लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार राजीव राय भटनागर होरें अज्ज जम्मू कश्मीर च कोविड-19 टीकाकरण योजना की अमलावरी के प्रबंधें का जायजा लैने वास्ते एक बैठक की प्रधानता की। मुंडले स्तर पर टीके की कारगर दस्तयाबी वास्ते सलाहकार होरें अधिकारियों पर जोर पाया जे कोविड-19 टीकाकरण अभियान की कामयाबी वास्ते सेहत समाज कल्याण स्कूली शिक्षा ग्रामीण विकास ते घने मकाने ते शहरी विकास महकमे के अगेत्रे वर्करें बशकार आपसी तालमेल बड़ा लाजमी है। उन्हें गलत सूचनाएं ते अफवाहें पर नियंत्रण पाने तांई भी आखिया। इस मौके पर बोलते हुए सेहत विभाग के माली कमिश्नर अटल डुल्लू होरें दस्सिया जे अगले दसें दिनें च वैक्सीन उपलब्ध होई जाग ते सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों मुजब राबते संबंधी रणनीति की मुकदा रूप दे दिता गया है। केंद्र सरकार ते किसान संगठनें बशकार अज नवीं दिल्ली च गलबात हुई। किसान संगठनें दे सदस्यें कन्नै गलबात शा पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरें उम्मीदवार कीती जे अज्ज दी इस बैठक च कोई सकारात्मक हल पक्क गै निकली आउग। नवीं दिल्ली च मीडिया की जानकारी देते हुए उन्हें गलाया जे सरकार अज्ज दी बैठक दौरान सभने मसलें पर चर्चा करोग। एह्दे शा पहले आली बैठक दौरान कृषि मंत्री होरें सरकार दे उस धैइये गी भी पक्का कीता हा जे देसै अंदर MSP ते मंडियें दी व्यवस्था पहले आंगर गै जारी रहोग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज्ज जस्टिस पंकज मित्थल होरें गी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख की संयुक्त हाई कोर्ट के मुख न्यायाधीश की सगंध चुकाई। इस संबंधा च जम्मू के कन्वेंशन सेंटर च एक समारोह का आयोजन किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के संवाददाता ने दस्सिया है जे लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें नवी नियुक्ति ताई जस्टिस पंकज मित्थल होरें गी मुबारक दित्ती। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होरें नियुक्ति वारंट पढ़िया। सगंध समारोह की कार्रवाई का संचालन लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे प्रिंसिपल सचिव नितिश्वर कुमार होरें कीता।
न्यायधीश पंकज मित्तल होरें गी जस्टिस गीता मित्तल हुंदी रिटायरमेंट दे मगरा जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट दा मुक्ख न्यायधीश नियुक्त कीता गेआ ऐ। न्यायधीश जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दे जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट दे जज, संसद सदस्य, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार, चीफ सैकटरी, प्रशासनिक सचिव, अदालतें दे बड्डे अधिकारी, सिविल ते पुलिस दे अफसर ते जस्टिस पंकज मित्तल हुंदे परिवार दे सदस्य ते मित्र भी समारोह च मौजूद हे। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे ओ। हुन बाकी दियां खबरें कन्नै नरेश शर्मा। लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार बसीर अहमद खान होरें अंतरराष्ट्रीय बन्ने कश सरहदी सैलसफे गी बढ़ावा देने दे मद्देनज़र सैलसफा मैह्कमे आसेआ कीती जाने आह्ली मती सारी कम्में कारवाइयें दा खुलासा कीता ऐ। उनें ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते हन जे ओह् अंतरराष्ट्रीय बन्ने कश नेही किश थाह्रें दी शनाख्त करन जिनेंगी सरहदी सैलसफा लई योजना दे दायरे च आंदा जाई सकदा ऐ। सुचेतगढ़, सांबा ते होरनें थाह्रें पर सरहदी सैलसफा गी बढ़ावा देने लई किश थाह्रें दी शनाख्त ते विकास लई सैलसफा मैह्कमे दे ऐह्लकारें ते BSF दे अधिकारियें कन्नै लाई गेदी इक बैठक दौरान सलाहकार होरें एह् गल्ल आखी। केंद्री गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस दे 7 अफसरें गी बेमिसाल हौसला ते कौशल दस्सने ताईं असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2020 देने की घोषणा की है। यह सम्मान हासिल करने वाले अधिकारी राजौरी के SP चंदन कोहली, SP आपरेशन श्रीनगर ताहिर अशरफ, बडगाम के ASP अमित वर्मा, SDPO अखनूर अजय शर्मा, इंस्पैक्टर दिलराज सिंह ते सईद परवेज सजाद ते ASI फारूक अहमद मंटू। पुलिस दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें आखिया जे इस चाली दे सम्मान कन्नै जम्मू कश्मीर पुलिस दे अफसरें दा हौसला बधदा है। समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर ने अज ऑनलाइन तरीके राएं विश्व ब्रेल दिवस मनाया। दिखने च कसरी लोकें आस्तै म्यारी शिक्षा विशे पर एक वैबिनार कराया गया जेदे च 100 विशेष शिक्षकें हिस्सा लैता। 4 जनवरी गी हर बारे यह ध्याड़ा लुईस ब्रेल हुंदे जन्मदिन पर मनाया जांदा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार RR भटनागर होरें सभनें अध्यापकें, विद्यार्थियों ते उंदे माता पिताएं गी विश्व ब्रेल दिवस की मुबारकबाद दित्ती। अपने स्नेह च उन्हें आखिया जे सरकार सभनें दिव्यांग लोकें गी मुतलका कानूनें तहत बेरोक टोक सुविधा मुहैया कराने के सभी जतन करा करदी है। स्कूल ते स्कूली परिसर सभनें दिव्यांग बच्चें गी उनकी जरूरतें मुजब थारां ते सहायक प्रणाली उपलब्ध करवाउण तां जे कक्षाएं च उनकी पूरी शमूलियत यकीनी बनी सके। समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मनास होरें दस्सिया है कि जम्मू कश्मीर ने ब्रेल टैक्टाइल पढ़ने वाले की समर्थ बधाने वास्ते सभने जिले च 42 लैपटॉप तकसीम किए हैं। इसके अलावा कमजोर नज़र वाले बच्चों च 3,500 अंकों ते 6वीं जमात के बच्चों की 2,000 रुपये का पढ़ाई भत्ता सीधे उनके खाते च पाया गया है। उन्हें दसा जे मैडिकल जायजा कैंपेन दौरान इन्हें बच्चों की डेजी प्लेयर, ब्रेल किट्स, स्मार्ट केन्स ते स्मार्ट फोन जने उपकरण भी दिते गए। डॉक्टर मनास होरें यह जानकारी एक वैबिनार च बोलते हुए दी। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च जबरदस्त ठंडू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग मुजब हूं थमां लेइयै अगले 3 दिनों तोड़ी दरम्याने थमां भारी बर्फबारी ते भारी बरखें की संभावना है। आकाशवाणी संवाददाता मुजब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के मते सारे हिस्सों च आउंदी 6 जनवरी दोपहरी तक दरम्याने थमां भारी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू ते कश्मीर दौने गए खित्तें च ते खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर, पुंछ, राजौरी, बनिहाल, रामबन ते रियासी च 4 जनवरी की राती थमां 5 जनवरी दोपहरी तकर सभनें शा मती बर्फबारी होने के आसार न। मौसम विभाग मुजब आउंदी 6 जनवरी के बाद मौसम च सुधार होने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च अज भूचाल के झटके महसूस किए गए जिंदी तेजी रिक्टर पैमाने पर 3.5 दसी गई है। भूचाल संबंधी विज्ञान आले राष्ट्रीय केंद्र मुजब अज बडले 10:58 पर जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा खिते च भूचाल के झटके सही किए गए। भूचाल करी अजे तकर जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस भूचाल का केंद्र जिमी के कोई 5 किलोमीटर हेठ दसया गया है। ग्रामीण इलाकें च रौहने वाली गरीब महिलाएं गी आत्म निर्भर बनाने दे मकसद कन्नै बागवानी महकमे पासेआ आत्म निर्भर भारत योजना तहत भद्रवाही राउंडा ते डिग्गी पंचायतें दे दियें 100 महिलाएं गी खाने पीने वालियां चीज़ां डब्बाबंद करने सने चार ते जैम वगैरह तैयार करने की 1 महीने भर की सिखलाई दी गई है। बागवानी महकमे के डायरैक्टर राम सेवक होरें डोडा के मुख बागवानी ते नोडल अधिकारी KS सोडी हुंदे कन्नै महिला प्रतिभागियों की सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए उन्हें महीने भर की यह सिखलाई कामयाबी कन्नै पूरी करने पर मुबारक दी।
आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई बागवानी मैह्कमे दे डायरेक्टर आराम सेवक होरें गलाया, आज हम यहाँ रोंडा में हैं, ये भद्रवाह का एरिया है। यहाँ पे 100 वुमेन्स को हमने एक मंथ की ट्रेनिंग दी। इसमें वो सारी हमने वैल्यू एडिशन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, कैंडी से लेकर मुरब्बा बनाना, कोई जैम बनाना, कोई कंसंट्रेट बनाना, कोई अचार बनाना, हमारा जो कमिटमेंट है दैट इज जीरो लेवल वेस्टेज। तो जिससे ये है कि हमारे किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और हमारी जो इनकम जो डबल करने का संकल्प है उसको नॉट ऑन डबल बट इससे त्रिगुनी चौगुनी जो इनकम जो है किसान की हो सकती है। अदालत के फैसले पर कार्रवाई करते हुए डोडा जिला इंतजामिया ने डोडा के ये आले दुआले के इलाकों चलाए जा करते बट्टे भनने वाले 5 स्टोन क्रैशरें की अज सील कर दिता। डोडा के तहसीलदारों के मुजब इन्हें क्रैशरें के मालकें लोड़चदे दस्तावेज जमा नहीं कराए थे जिस करी इन्हें क्रैशरें की सील कर दिता गया है। हमारी यहाँ इस 5 क्रशर से इनको मैंने अपने ऑफिस से भी और हायर अथॉरिटी से भी इनको हमने नोटिस दिए थे, अपनी जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो लाए, तो फॉर्मेलिटी उन्होंने नहीं लाई तो अकॉर्डिंगली आज डीएमओ साहब हमारे साथ और पीडब्ल्यूडी की टीम आई है तो हमने उनके पर एक्शन लिया। जो इनकी मशीनरी थी वो सीज की है और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो स्नैप किए गए। अखीर च खास खास खबरें कोई परती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे भारत च दुनिया का सभने शा वड्डा टीकाकरण अभियान तौले शुरू होग। सलाहकार आर भटनागर होरें COVID-19 टीकाकरण योजना की अमलावरी लई बंदोबस्तों का जायजा लिया है। अगले 10 दिनों च टीका उपलब्ध हो जाग। केंद्र सरकार ते किसान संगठनों विचकार अज नवी दिल्ली च गलबात का 8वां गेड़ लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें जस्टिस पंकज मिथल होरें गी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाईकोर्ट के नवे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर संगंध चुकाई है। तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे दौरान केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च दरम्याने थमां भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। ये कन्ने गै खबरें का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।